यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। विधानसभा की सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसे लेकर आज यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के साथ इस पर सहमति बनी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सभी नए सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम 20 और 21 मई को होगा, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 20 मई को करेंगे। ई विधान लागू करने के लिए भारत सरकार का सभी प्रदेशों को एक सुझाव गया था। मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में ई विधान लागू करने के लिए सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम पहल कर रहे हैं और हम सबसे पहले उसको कर लेंगे। जेल में बंद आजम खान को जमानत मिलने से पहले एक नया मामला दर्ज करने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछ लिया कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की है उसमें कोर्ट ने कहा कि ये फिर से हो रहा है, एक मामले में सुनवाई के बाद और भी शिकायतें दर्ज होंगी और जब भी आजम खान को किसी एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस होने का इत्तेफाक क्यों हो जाता है। अपनी इस टिप्पणी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान पर नया केस दर्ज करने पर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है, अब यह सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं आजम खान के वकील ने यह कहा कि आजम खान के ऊपर एक और मुकदमा लाद दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए यह कहा कि यह क्या है। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उनके ऊपर अभी एक मुकदमा और रह गया है। वहीं जिस मुकदमे में आज सुनवाई होनी थी उस मुकदमे में पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। उसके बाद एक मामला और लाद देने के बाद जो आजम खान के वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देने की बात कही और उसमें उस मुकदमे को मेंशन करने की बात की, तो वही कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए अब इस सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान के लिए क्या खबर आती है, क्या राहत भरी खबर आएगी या अभी और कुछ दिन आजम खान को हवालात में गुजारने होंगे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आजम खान को लेकर रामपुर से वाया प्रयागराज और सीतापुर दिल्ली तक चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में शत्रु संपत्ति के मामले में आजम को मिली जमानत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी उम्मीद है कि आजम जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। एक तरफ नया मामला दर्ज होने से आजम खान की मुसीबत बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। दरअसल इस मामले में आजम खान की पत्नी और बेटे को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कई तारीखों पर जब दोनों पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दरअसल कल दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई के दौरान मामले के गवाह तो रामपुर कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के पेश नहीं होने की वजह से बहस नहीं हो पाई। इस पर अब्दुल्ला के वकील ने उनकी गैरहाजिरी पर माफी के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोसिक्यूशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जानी थी, तो आज बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि उनके अधिवक्ता जो बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और जिरह नहीं की जा सकती, इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों के ही श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और सुनवाई के लिए जिरह के लिए अगली तारीख 16 दी गई। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम जांच करने पहुंची है। टीम के साथ जिला प्रशासन, राजस्व टीम और स्थानीय पुलिस भी पहुंची है। आजम खान पर आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में ईडी की कार्रवाई हो रही है। ग्राउंड जीरो से देखते हैं संवाददाता उबैदुर रहमान की ये रिपोर्ट।